कांग्रेस की खैरागढ़ उपचुनाव संचालन समिति की बैठक का आज कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के निवास पर हुई। इस बैठक में संचालन कमेटी के सदस्य मंत्री रविन्द्र चौबे के अलावा मंत्री कवासी लखमा और अटल श्रीवास्तव ने सदस्यों से चर्चा की। चर्चा के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में चुनाव हो रहा है, किस किस सदस्य को क्या जवाबदारी देना है। कल ही नामांकन हुआ है, आज हमारी प्राइवेट बैठक थी, हम खैरागढ़ और चुई खदान जाएंगे और वहां चुनाव की तैयारी कर हम निश्चित आकलन करेंगे। इसके अलावा विधायकों की चुनावी ड्यूटी पर बोले, सारे लोगों की हम ड्यूटी लगाएंगे, चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है और हमें चुनाव जीतना है। खैरागढ़ विधानसभा में जो भी लोग आवश्यक होंगे उन्हें निश्चित रूप से खैरागढ़ में नियुक्त किया जाएगा। उपचुनाव होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ में हुए तीनों उपचुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कार्यों पे जनता ने मुहर लगाई है। हमने दंतेवाड़ा, चित्रकूट और मरवाही तीनों सीट कांग्रेस को जीत दिलाई थी और खैरागढ़ में भी वही सारे कार्यक्रम को लेकर के हमको जाना है। किसानों के जेब में पैसा जा रहा है, गोपालकों के जेब में पैसा जा रहा है, मजदूरों के खाते में पैसा स्थानांतरित किया जा रहा है, तेंदूपत्ता संग्राहकों को पैसा जा रहा है, वनवासी और जो वन समितियां हैं उनके खाते में पैसा सीधा जा रहा है। तो लोगों को इस बात का विश्वास है कि एक तरफ जो भूपेश बघेल की जो सरकार है वो देने वाली सरकार है, वो सुख देने वाली सरकार है, और दूसरे तरफ केंद्र की सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो झूठ की सरकार है, वो लूट की सरकार है। क्योंकि उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया,